अरे बाप रे, ये तो डेंजरस है यार भाई, बहुत गंदा वाला पोपट हुआ है, गंदा वाला पोपट हुआ है। लुक्स नाइस ऑफ कोर्स, बट वो केक नहीं है, वो है। हाउ इज इट, यू वांट टू बी अ पायलट? हमारे ना इंडियन फेस्टिवल्स और उनके एसोसिएटेड फूड का इतना बड़ा रेलेवेंस है हमारे लाइफ में कि वो स्पेसिफिक फेस्टिवल पे वो स्पेसिफिक खाना खाने का जो मजा आता है ना, आहा, सारे तार दिल के, दिमाग के और जबान के जुड़ जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल लगा लो कि अगर आप दिवाली के दिन पे अगर आपने गुजिया नहीं खाया तो आपने दिवाली क्या मनाई, आपने मकर संक्रांति पे अगर तिल के लड्डू नहीं खाए तो भाई कौन सी मकर संक्रांति हुई। मेरे को तो वहां तक कि ऐसे तिल के लड्डू पसंद है कि जो आप खाओ दांत में ऐसे जब तक वो ऐसा कर कर करके आवाज ना आए ना तब तक मजा नहीं आता है। फिर चाहे होली के दिन पे समोसे हो या कल कंजक पे जो बनाए हलवा पूरी और चने, आहा क्या स्वाद बना था उस हलवा में। एनीवेज, आज दशहरे के दिन पे ऑफ कोर्स वो गुजराती नाश्ता खाने का जो मजा आता है, आहा भाई सुवाचे, यहाँ पर सब कुछ आ चुका है हमारे पास। ये रहा ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, समोसे एंड ये स्पेशल चटनी। हैप्पी दशहरा भाई, हैप्पी दशहरा एवरीवन। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। क्या बोलते हो आंचल, हैप्पी? अरे ये नहीं, ये तो फेस्टिवल क्या, वाइब, वो वाइब आनी चाहिए ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, फेस्टिवल अपना इंडियन फेस्टिवल मतलब खाना, टेस्टी टेस्टी खाना। हर एक फेस्टिवल का एक रेलेवेंस, एक एसोसिएशन खाना है, ठीक है। वो खाना अगर आप उस दिन पे खाओगे उसका स्वाद डबल ट्रिपल लाइक चार गुना हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। 100% हो जाता है यार, क्योंकि वो यू नो दशहरा है, मतलब आपको पिछली रात को ही आपको आ जाता दिमाग में यार ये खाना है, ये खाना है, लाइक इट्स ऑल इन द माइंड, इन द माइंड। और लेकिन उस दिन पे खाओ तो टेस्ट देखो एकदम अलग आता है। हाँ, वो और वो यू डोंट काउंट कैलोरीज, यू डोंट काउंट नथिंग, उस दिन खा लेते हो, समोसे भी खा लोगे, खमन ढोकला भी खा लोगे एंड एवरीथिंग। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन शुरू किया था इन लोग ने, आपको एट योर डोर स्टेप डिलीवरी उन्होंने प्रॉमिस किया है एंड यू कुड ऑर्डर आई थिंक एक दिन पहले या दो दिन पहले, व्हेनेवर उनका गूगल फॉर्म है उसमें लिंक करके बता दो आपको जलेबी। ये बाय द वे देसी घी की जलेबी है, तो ये देसी घी जलेबी, देसी घी की जलेबी मतलब ऐसा कैलोरी थोड़ी ज्यादा, बेटर देन ऑयल जलेबी 100%। बस लेट्स थिंक द ब्राइटर साइड, करेक्ट। तो ये दोनों का कॉम्बो उन्होंने भेजा है हमको और आज सुबह आई थिंक ये हमने कितना पे किया इसका, $17 का हमको फाफड़ा और जलेबी। आई एम जस्ट टेलिंग कि आप लोग को पता चले कि यहाँ पर क्या प्राइसिंग है। हाँ, और सुबह 9:30 बजे डिलीवर भी कर दिया था, राइट? हाँ, 9:30 आ गया। हाँ, बाकी ये उनका लेके आया, ये तो मैं अभी यहाँ से स्वदेश जाके लेके आया। ऐसा कुछ भी खाओ तो सीधा आपको बॉम्बे खा जाती है। जब हम लोग बॉम्बे में रहते थे फैमिली के साथ, रोज मतलब रोज सुबह नहीं मतलब दशहरे वाले दिन सुबह ये सब आ जाता था और सब लोग साथ में टेबल पे बैठ के हम लोग ये सब खाते थे, एंजॉय करते थे एंड वो तो डेफिनेटली मिस होता है क्योंकि फैमिली वाइब्स आर फैमिली वाइब्स, उनको तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट हाँ, चलो खाना मिल जाता है वो अच्छी बात है, करेक्ट। तो भाई ये ऐसा स्प्रेड देख के सिर्फ एक ही चीज मिस हो रही है, फैमिली 100%। तो भाई वंस अगेन हैप्पी दशहरा, एंजॉय द फेस्टिवल, यू वॉन्ट द बिग वन। ये बच्चे लोग ने देखो शुरू कर दिया फाफड़ा खाना, फाफड़ा तो भाई बहुत टेस्टी होता है, इज इट नाइस, बहुत बढ़िया है ना। अरे बाप रे, टिक्की खाना होता है इसको, ब्रोकन, अरे बाप रे, दिस इज ब्रोकन। आई नो राइट, बट दिस बॉय इज मेकिंग ऑल द मेस इन द हाउस, कीप इट, ओके। बाप रे, बातें करने लग गया है, पूरा बताने लग गया है वो, पापा ब्रोकन, पापा Is it? You should try that. Okay, I will try now. मैंने अब तक try नहीं किया, मैंने सिर्फ समोसा try किया, समोसा थोड़ा सा spicy है। तुमने ढोकला try किया, ढोकला कैसा है? Sorry, जलेबी try किया, जलेबी कैसी है? जलेबी में पूरा घी का flavor आ रहा है। Is it? तो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मैं खाके देखूँ थोड़ा सा, एक bite खाके देखते भाई। हाँ, not great. I think वो अपना normal, अपने को आदत ही भाई है थोड़ा सा ऐसा वो हल्की क्वालिटी वाला खाने का, ऐसी अच्छी क्वालिटी घी वाला अपने को पसंद नहीं आ रहा है। कूल मैन, ये देखो ये कहाँ पे चले गई है, वाओ टूटू, दैट्स अ कूल स्विंग। आई नो राइट, अभी पता है कैसा हुआ, वो खाना वाना खा के भाई ऐसा हालत खराब हुआ ना, मतलब हालत खराब इन द सेंस इतना टेस्टी था ऑफ कोर्स, तो पेट ऐसा भर गया, इतना पेट भर गया। या दिस साइड, ओके, नो दिस वन, What about this one? This trash. Oh, trash, no, I'm still drinking. Yeah, but thank you though. Drinking? Thank you, yes, thank you. So, जैसे मतलब वो खाना वाना खा के ऐसा पेट भर गया ना, इतना टेस्टी था भाई, बहुत टेस्टी था। और मुझे लगता है धीरे धीरे वो जलेबी का टेस्ट ना हम लोग को, मेरे को तो पसंद आने लग गया, आंचल को आई डोंट नो पसंद आया कि नहीं आया,
बट मुझे अच्छा लगने लगा। एंड उसके बाद में फिर वो खा के, लेकिन अभी भी ना बहुत सारा बचा हुआ है, हमने एक समोसा बचा दिया, तीन समोसे लाए थे उसमें से एक समोसा बचा हुआ है अभी भी, और फाफड़ा बचा हुआ है और ढोकला बचा हुआ है, तो वो आंचलने वाला वो शाम को चाय वाय के साथ खाएगी। वो खाने के बाद मैंने बोला भाई इतना पेट ऐसा फट रहा है, लिटरली एक कॉफ़ी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि भाई वो जो मेटाबॉलिज्म जो है अपना किक स्टार्ट हो, थोड़ा खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो। ये कुछ पता है, मुझे लगता है किसी का प्राइवेट पार्क है ये, ऐसे किसी का प्राइवेट जगह है ऐसे। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एंड यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बट बहुत मस्त है, एकदम सीक्रेट हाइड आउट है, हमने आज तक कभी नहीं देखा है। तो मैं यहाँ पर आ गया, जब चुटू आई ना घर पे बोलने के लिए कि पापा मैंने तीन फ्रेंड्स बनाए हैं, मैं जा रही हूँ उनके साथ पार्क, क्या मैं जा सकती हूँ? मैंने कहा बेटा आई डोंट नो देम, मैं इसे अकेले जाने नहीं दूंगा, तो इसलिए मैं खुद रेडी हुआ, जैकेट पहना और बाहर निकला। मैंने कहा नहीं भाई, इसके साथ रहना ज़रूरी है क्योंकि मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ फर्स्ट टाइम में। मैं थोड़ा सा ये बहुत ही मेरे को बड़ा डर लगता है यार, मतलब भले यहाँ पर सब कुछ सेफ हो बट फिर भी अपना अपने को अपनी वो ड्यू डिलीजेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना यहाँ से ऊपर चढ़ गया और उसको ना एकदम ऊपर जाना है, बोल रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ ऊपर। मैंने उसको बता रहा हूँ बेटा यहाँ से चढ़ के वहाँ से चढ़ना है, बट आई एम श्योर वो डिफिकल्ट होगा उसके लिए, बट अभी तो स्लाइड से उतर के आ रहा है। कम नो नो चीची नो चीची, इसको बड़ा गंदगी का कपड़ा ये है। कम वन टू थ्री गो, वाई कम नो चीची कम डाउन कम वन टू, अरे बाप रे चीची बहुत फास्ट था यार, वो पहले बार में इतना डर गया ना, इतना फास्ट आया तो मैं बोलते पापा यू ऑल्सो कम एंड यू ऑल्सो स्लाइड विथ मी, तो अभी हम दोनों स्लाइड कर रहे हैं। अरे भाई ओ ओ भाई भाई बहुत फास्ट है ये, मेरे से हाथ से फोन ही छूट गया था। भाई बच्चे जब खेलना शुरू होते हैं ना तो उनका खेलना तो खत्म ही नहीं होता है, पता नहीं कितने घंटे तक वो लोग थकते कैसे नहीं, और हम लोग बस थोड़ा सुबह से उठ के कुछ अगर काम कर लिया तो उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई हालत ख़राब है, अब बस खाली बिस्तर पे पसरना है। आपको ऐसा फील होता है कि बच्चों की एनर्जी और आपकी एनर्जी में हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है? एनीवेज किसी तरह से मना मुनू के बच्चों को हम लोग लेके गए पार्क से वापस घर, तैयार किया, थोड़ा आराम किया, तैयार किया उनको, और अभी हम लोग आ गए हैं एट द लाइमरिज मॉल क्योंकि हमने करनी है थोड़ी सी शॉपिंग बच्चों के लिए, कपड़े वगैरह खरीदने। पता है क्या हुआ, मैं पहले यहाँ पे गाड़ी लाके मैंने पार्क कर दी थी, यहाँ पे जो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा होगा अगर फ्रेम में, एक गाड़ी खड़ी है वाइट कलर की, पहले वो ना अंदर आके बैठे और मुझे ऐसा लगा वो लोग निकलने वाले हैं, लेकिन वो लोग आके बैठ गए, एसी चला के आराम से चिल कर रहे हैं अंदर, और मैंने तब तक ना सब कुछ रेडी कर दिया था यहाँ पर, स्ट्रोलर वगैरह, अरे ये खुल ही नहीं रहा, एक मिनट, तो स्ट्रोलर वगैरह ठीक है मैंने सब कुछ सेट करके रख दिया था, और फिर मैंने उतरा, मैंने उनको पूछा कि आप लोग जा रहे हो क्या, तो दे आर लाइक नहीं हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो मेरे को फिर से स्ट्रोलर फोल्ड करके वापस से गाड़ी के अंदर डालना पड़ा, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया बट कोई बात नहीं, फॉर्चुनेटली उसी के सामने वाली पार्किंग हमको मिल गई, तो वी आर लाइक चलो गुड है ना, बढ़िया हो गया ना एकदम। चलो एंड टिकी भी मस्त गाड़ी में सो गया था, टिकी घर पे ही सो गया था, टिकी लेट्स गो शॉपिंग। बाप रे ये तो डेंजरस है यार ट्राई करो तो पता है क्या हुआ, ये जो शूज हैं इसके, इसमें स्केटर व्हील्स लगे हुए हैं, और ये इसको जब इसके चाचू आए थे लास्ट ईयर आए थे ना गोलू, तो चाचू चाची आए थे तो उन्होंने वो लोग लेके आए थे इसके लिए ये गिफ्ट, तो जो बोली मुझे प्रैक्टिस करना है, मैंने कहा अभी कर लो क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर पता नहीं ये आएगा भी कि नहीं इसको, क्योंकि बच्चे बढ़ते हैं ना तो साइज ऑफकोर्स चेंज होता रहता है, तो हमने बोला अभी जितना हो सके पहन के यूज करो, ट्राई करो, लर्न करो कि ये कैसे करते हैं। सबसे पहले पता है इसको हमने यही बोला कि बेटा चलो शॉपिंग करने चलना है, तो शी इज लाइक आर वी गोइंग टू द मॉल, तो हमने कहा क्यों, तो शी इज लाइक आई एम गोना वेयर दोस शूज बिकॉज मुझे प्रैक्टिस करना है, वरना साल भर से हम लोग मॉल आते हैं लेकिन हम हर बार भूल जाते हैं कि हमको ये शूज लेके आने हैं और इसको ना ये सिखाना है, तो अब ये सिखाने में थोड़ा टाइम जाएगा हमारा, 6 बजे तक मॉल ओपन है, कोशिश करेंगे कितना शॉपिंग कर सकते हैं करने की, बट अभी पहला प्रायोरिटी तो ये है कि इसको ये सिखाएं कि कैसे स्केट कर सके। यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग बट इसका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। वैसे मैं आपको इसके शूज दिखाता हूँ, देखो इतने प्यारे शूज है, इतना मस्त कलर है शूज का, इतने क्यूट से शूज लाए थे चाचू, नहीं नहीं नीचे नीचे रखो बेटा नीचे रखो, इतने क्यूट से शूज लाए थे चाचू, साइड से दिखाओ, वाह सी कितने प्यारे पॉप मस्त पिंक कलर के हैं, एंड इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं जिससे वो यू नो ऐसे स्लाइड कर सकेगी। हाँ मुझे इज अ गुड थिंग, मतलब आपको अगर व्हील्स निकालने तो निकाल दो, आपको व्हील्स डालने तो डाल दो, उसमें एक बटन है पीछे जो आपको दिखाता हूँ, देखो ये बटन है यहाँ पे, इससे आप ये दबाओगे ना तो व्हील्स अंदर जाके वो लॉक हो जाते हैं, तो प्रीटी गुड है, अगर समझो आपको व्हील्स को वापस बाहर निकालना है वो बटन दबाओ व्हील्स बाहर आ जाते हैं। कितनी मस्त प्यारी है ये ड्रेस, उसके अंदर व्हाइट टी शर्ट या पिंक टी शर्ट कुछ डाले,
हाँ और बहुत अच्छी लग रही है। कितने की है? दिस इज कैनेडियन $35। बहुत बढ़िया है यार ये, मेरे को अच्छी लगी। सो अभी हम सबसे पहला स्टॉप हमने लिया है एट H&M किड्स, मतलब किड्स क्या, मतलब सबसे पहले किड्स के सेक्शन में आए हैं, लेकिन अभी इसके बाद हम जाएंगे मेन्स एंड वुमेन्स सेक्शन में भी जाएंगे। एक हमने जीन्स भी पसंद की है टूटू के लिए, ये वाली जीन्स, इसका भी एक मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, ये अच्छी लग रही है और इसका प्राइस है $20 कैनेडियन, विच इज हाँ विच इज़ नॉट बैड नो। सो ये ना इसका साइज नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है, ये 9-10 एज का है, तो इसमें छोटा साइज पूछना पड़ेगा उनको। बट मेरे को बहुत प्यारा लगा, पता है ये हेलो किटी वाला है, इसको थोड़ा मतलब लंबा आ रहा है तो वो मजा नहीं आएगा जब तक इट शुड कम हियर। हाँ और देखते हैं ना, पूछेंगे उनको या तो। अभी तो जस्ट शॉपिंग शुरू ही की थी हम लोगों ने और बच्चों ने बोला यार भूख लगी है, तीर्थ को भूख लग गई क्योंकि वो दूध मांग रहा था और हम इसकी दूध की बॉटल लाए नहीं थे। एंड मैंने ये सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है, दोनों को ले जाता हूँ बाहर की तरफ फूड कोर्ट की तरफ, वहाँ से जाके ले आता हूँ कुछ खाने के लिए, ऐसे क्या 10 मिनट मिल जाएगा आंचल को थोड़ा बहुत शॉपिंग देखने के लिए, बिकॉज ना दोनों बच्चे इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, मुझे भूख लगी ऐसे बोल रहे हैं, तो आंचल बिल्कुल शॉपिंग कर ही नहीं पा रही है, कपड़े देख ही नहीं पा रही है क्या खरीदना है। यहाँ KFC से हम लोगों ने लिया ये 3-piece चिकन स्ट्रिप एंड फ्रेंच फ्राइज, तो बच्चे लोग यहाँ खा रहे हैं जब तक आंचल शॉपिंग करेगी। कैसी चल रही है भाई शॉपिंग तुम्हारी? बोर्ड है, मैं इन लोग को लेके गया, आंचल ने टूटू ने बोला कि ये मम्मा के लिए बचाते हैं एक पीस, तुम्हारे लिए बचा के लाई है वो। क्या मस्त लग रहा है देखो ये, इसका ये एक टी शर्ट पसंद किया और ये एक जीन्स पसंद किया, बहुत मस्त लग रही है। ऐसी एक और टी शर्ट है ब्राउन कलर की, वो कहाँ गई आंचल? वो ये रही, वो यहाँ पर, वो प्लेन है, ये टाइगर प्रिंट है, चीता प्रिंट है, बहुत अच्छी लग रही है ये। वो देखो उसको ट्रायल रूम से बाहर ही नहीं निकलना है, टिक्की चल ले बच्चा, मैं यहाँ पे बैठ गया आराम से, ये देखो भागेगा टिक्की। हमारी शॉपिंग की वाट ऐसे लगती है, कोई अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाए ना अगर इस कंट्री का कनाडा का, तो मैं सबसे पहली चीज़ तो ये बदलूंगा कि भाई मॉल जो है वीकेंड पे 6 बजे के बाद तक खुले रखो। बताओ यार सैटरडे के दिन पे मॉल 6 बजे बंद हो जाते हैं, मतलब जब शॉपिंग करने का टाइम होता है, हम जैसे लोग जो नॉर्मल वर्किंग क्लास लोग हैं वो लोग शॉपिंग कब करें, वीकेंड पे कर नहीं सकते क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है, एंड ऑफकोर्स वीकडे पे ऑफिस चल रहा था उसके बाद तो ताकत ही नहीं बचती है। किसी तरह से तीर्थ को कन्विंस करके मैंने वहां से उठाया एंड देन वापस से हम लोग अंदर ही चले गए, वहीं पर ही यू नो H&M में थोड़ी बहुत और देखी टूटू के लिए और 3-4 कपड़े और खरीदे जो अच्छे अच्छे मिल रहे थे, वो खरीदते ऑलमोस्ट 6 बज गया, तो हमने कहा यार अब तो स्टोर बंद हो जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं है वहां रुकने का, कर लेंगे 2-3 स्टोर कवर कर लेंगे। करेक्ट, हमारा तो प्लान था कि अच्छा खासा शॉपिंग करेंगे देखेंगे, बट हाँ हम लोग थोड़ा सा लेट निकले, करेक्ट ये लड़के की वजह से, आपके वजह से हुआ पता है आपको? नहीं नहीं हम जस्ट किडिंग यार। बुबू कहाँ लगा बच्चा आपको? शोमी शोमी शोमी, हाँ देखो इसको थोड़ा सा लाल हो गया, कुछ लगा है शायद इसको, सी दिस टेबल पेपर लगा रहेगा। आप स्ट्रॉन्ग बॉय, आर यू ओके? यस, इसको कुछ भी, इसको कभी भी कुछ भी लगता है ना, इसको खाली ऐसे बोलने का आई ओके बोलता है यस, एंड इसको बोलेंगे टूटू की बेटा पारी पारी कर दो, खुद ही ऐसे सेल्फ सूट कर लेता है अपने आप को। हमारा मन था कि हम लोग बाहर खाएंगे और मेरा ना आज बहुत मन कर रहा था, एकदम दिल से ऐसे क्रेविंग आ रही थी कि भाई मेरे को चाइनीज खाना है, और वहाँ पर एक चाइनीज स्टोर था अभी, मतलब चाइनीज रेस्टोरेंट था अभी, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पर 6 बजे अंदर रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था मॉल के अंदर, क्योंकि मॉल ही बंद हो गया था, तो हमने कहा यार छोड़ो यार फिर अभी क्या खाएंगे बाहर। फिर मेरे को आंचल ने बोला कि कहीं बाहर चल के खाते हैं, और लेकिन साथ में आंचल ने बताया क्या ऑप्शन दिया, दाल चावल, ये दाल बनने लग गई है भाई हमारी, तो मैंने बोला भाई नहीं, मैंने बोला बाहर जाके क्या कुछ खाना है क्या करना है, खा सकते हैं बाहर भी, ये चाहिए तो घर जाके दाल चावल खाते हैं। क्यों ऑप्शन दिया, क्योंकि यार कल जैसे ना मेरे पेट को ट्रॉमा लगा, क्योंकि 9 दिन से मैं फास्ट कर रही थी, और फास्ट करने के बाद कल जब मैंने इतना सारा पूरी चने सब खाया तो ऐसा लगा पेट में शमक, और लाइक आर यू ओके क्या तो मुझे ना थोड़ा हल्का खाने का मन था कि बाहर खाएंगे फिर वही मसाले वाला खाना होगा, तो एंड अभी 2 दिन और छुट्टी है, पता नहीं खा भी सकते हैं बाहर कभी, बट आज इच्छा नहीं थी मेरी बाहर खाने की, क्योंकि आज सुबह भी वो सब खाया है और हमने वही खाया पता है, वो इतना हैवी हो गया था लिटरली, वो घी वाली जलेबी एंड समोसा was very heavy, उसके बाद हमने लंच भी स्किप कर दिया। आई नो इट्स नॉट द गुड थिंग टू डू, छोटा छोटा पोर्शन साइज खाना चाहिए एंड फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए, बट बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मुझे एसिडिटी से होता, तो आई वाज लाइक यार यू नो व्हाट, दाल चावल इज बेस्ट, तो अभी दाल चावल बनेगा, दाल चावल खाएंगे। मेरे को बड़ा डर लगता है ऐसे टाइम में बोलने के लिए घर चल के, आंचल ने बोल दिया खाने के लिए। आई नो यार भाई घर का खाना इज, मैं कैसे पता नहीं, जो हेल्थ कॉन्शियस रहेगा ना वो समझ पाएगा कि भाई हेल्थ, आई एम अ फूडी, बट एट द सेम टाइम
घर का खाना है, इज प्योर ब्लिस। नज़ अपना का डायलॉग याद आ रहा है मेरे को ये देखते हुए, गोगो जी आपका घाघरा आपका घाघरा ये एक हफ्ते से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओ सॉरी, मेरे को तिल पर रखना नहीं था, बट ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया ना हम लोग को। लास्ट सैटरडे गए थे हम लोग चिचक शिल्पा की पार्टी में, और आज अगला सैटरडे आ चुका है, और हमने ये जो गिफ्ट जो आंचल को मिला था फॉर मेकिंग द मोस्ट फ्रेंड्स वो वाला हमने ओपन ही नहीं किया, तो हमने कहा चलो यार आज ओपन कर लेते हैं फाइनली। एक वजह ये भी थी क्योंकि हमने इसमें देख लिया था अंदर केक का एक बहुत बड़ा मस्त सा पीस है, पीस नहीं बोलूंगा क्या बोलूंगा उसको, एक अच्छा केक, हाँ केक बॉक्स में मस्त केक है, तो अभी वो खा नहीं सकते थे क्योंकि आंचल अपना यू नो उसका फास्ट चल रहा था, तो हमने कहा चलो एक काम कर थोड़ा डिले करते हैं फिर खोलते हैं, तो अभी ओपन कर रहे हैं केक के साथ और क्या क्या, चलो आपको भी दिखाते हैं। खुल जा सिमसे, पता है पहले वो एक शो आता था खुल जा सिमसे वाला, तो ये मग तो दिख ही रहे थे। हाँ बताओ, इसमें भी चॉकलेट है। ओह नाइस, अच्छा इसके अंदर चॉकलेट्स है, स्विस चॉकलेट। ओह आई लव, एंड ये मग जो है इस ड्रीम होम फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस वाला, अमित भाई की कंपनी जो है ये वो वाला है, दो हाँ ये दो उनका कप्स है, और क्या है इसके अंदर, देन देयर इज दिस, ओह इट्स एन ओपनर, अरे वाह बॉटल ओपनर, क्या बात है बहुत बढ़िया। ओके व्हाट्स नेक्स्ट, मैं जितने फ्रेंड्स बनाए उतनी सारी गिफ्ट है तुम्हारे लिए भाई, गवर्नमेंट फ्लेवरिंग है ये कुछ, इसमें पांच फ्लेवर्स हैं, पंपकिन पाई, सिनेमन बन, कैरमल, एप्पल बटर, क्रैनबेरी एंड ब्राउन बटर टॉफी। तो देखो ये ऑटम हार्वेस्ट कलेक्शन, द मोस्ट अवेटेड केक, इसका बहुत इंतजार कराया है भाई आंचल ने, एंड दिस इज कॉफी बीन्स, ये तो ऊपर के काम, ये मेरे लिए, यस। एंड ये जो आई थिंक मैंने बहुत बार देखा है शिल्पा ऐसा अच्छे से ऐसे हैंडक्राफ्टेड गिफ्ट पहले भी उन्होंने बनाए हुए अपने वीडियो में दिवाली वगैरह के लिए, कितने सारे थे ना, 10 गिफ्ट थे, हाँ अगर बनाए तो हैट्स ऑफ टू हर बाबा। ओके सो ये है वो केक जिसका बहुत इंतजार किया है हमने, एंड एक्चुअली ऑटम फील भी है देखो थोड़ा सा, लाइक दैट ऑरेंज थिंग, एंड इवन दिस लुक एट दिस, ओह वाओ लीफ, मस्ट लीफ है देखो, सो नाइस, ओह लुक एट दिस द फॉल कलर्स, अरे वाओ लुक एट दिस फॉल कलर्स, दिस इज कूल, ओह वाओ लुक एट दिस यार, इट्स लुकिंग सो प्रीटी, बहुत बढ़िया। एंड ये जो मैं बता रहा था आपको कॉफी जो आंचल बता रही थी, इंग्लिश टॉफी फ्लेवर, सो इसको हमको ग्राइंड कराना पड़ेगा, एंड देन आई कैन यूज इट फॉर माय कॉफी, सो मतलब हर किसी के लिए एक गिफ्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी हैप्पी विद द गिफ्ट, आर यू हैप्पी विद द गिफ्ट, थैंक यू, थैंक यू, यस, चलो टूटो केक पे, चलो गाइस आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड, आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ, कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो कुछ क्वेश्चंस हो कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स यूज करके कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे सेफ, पता नहीं खुद ही सीख गए वो, भाई बहुत गंदा वाला पोपटू है, गंदा वाला पोपटू है, लुक्स नाइस ऑफ कोर्स, बट वो केक नहीं है वो है रस, जब तक हमने खोला नहीं था तो ऑफ कोर्स हमने यू नो खाया नहीं था, इज इट सो गुड, हाँ तो ये अच्छा ये ओके जैसे केक रस टाइप का आता है ना वैसा है, ये खा के देखते हैं, ओ वाओ लाइक केक थोड़ा हार्ड है, बहुत बढ़िया, यह हार्ड हो गया, हमने रख करके हार्ड कर दिया इसको, खाली जवान लोगों के लिए, किसके लिए, बुद्धों के लिए नहीं बट बहुत अच्छा, बहुत मस्त है, लाइक द टेस्ट एकदम, फ्लेवर अच्छे हैं, चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर है।